शायद माँ ठीक ही कह रही थी, लड्डू बिक तो रहे हैं पर अब भी बहुत बाकी हैं। ढोलकपुर की शान, मेरी शक्ति का राज। हटो रे। वाह मजा आ गया। अरे इनकी कीमत तो चुकाते हैं। लड्डू चाहिए? चुटकी वहां उस तरफ से। सब एक साथ चारों तरफ से पकड़ें। हो सकता है मुन्ना खिलौने के लिए नहीं खाने के लिए रो रहा हो। अभी इसका दलिया तैयार कर देती हूँ। बड़ा शैतान है। देख छोटे एक मुन्ना है। सुनिए आपने यहाँ कहीं एक छोटे बच्चे को देखा क्या? हाँ वो वहाँ उस तरफ। प्यारा है, अब चैन से सोता रहेगा।
जग्गू, हंसा हंसा कर तो तुमने पेट में दर्द करा दिया। अरे जग्गू, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? जग्गू कोई करतब करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा, सुनिए, मेरे दोस्त को चोट लगी है, वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। अगर तुम बुरा ना मानो तो पहले टिकट हम ले लें। हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। शुक्रिया, तुम सब कितने भले हो। जरा संभाल के। इतना बड़ा, इतना सफेद, इतना सुंदर। मैं यहाँ का गाइड हूँ, आओ मैं तुम्हें ताजमहल दिखाने के साथ साथ इसके बारे में अद्भुत बातें भी बताता हूँ। जी जरूर, पर पहले हम कुछ तस्वीरें तो खींच ले। शाहजहाँ ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की यादगार के रूप में ये महल बनवाया था। महल सारे विश्व में एक मिसाल बने, इसलिए इसे खास सफेद संगमरमर से बनाया गया। पर ये हर समय सफेद नहीं दिखता, सुबह उगते सूरज की रोशनी में हल्का गुलाबी सा दिखता है और रात को चांद की चांदनी में कुछ सुनहरा सा हो जाता है। ये है कलाकारी। देखो, हम यहाँ से वापस घर जाए तो साथ में इस आलीशान महल की कुछ यादगार ले जानी तो बनती है ना? क्या फोटो? मैं तो इस पत्थर के एक टुकड़े की बात कर रहा था। तुम आसपास नजर रखो, मैं अपने औजार से कमाल दिखाता हूँ। मेरा औजार वापस दे दे। लेकर दिखाओ।